सारे बिहारियों को भगा दो, एक भी बिहारी नहीं रहना चाहिए। भगाओ। कहाँ कहाँ से भगाओगे हम बिहारियों को? कभी आसाम से भगाया गया, कभी महाराष्ट्र से भगाया गया, कभी गुजरात से भगाया जा रहा है। क्या देश को आजादी कराने में हम यूपी बिहार वालों की कोई भूमिका रही थी? अगर भारत को आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा किसी की अहम भूमिका थी तो हम यूपी बिहार वालों की थी। 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश जलाकर राख कर दिया था। इतिहास भी नहीं भुला सकता है चौरा चौरी कांड को। आज हम असामियों को दोष दे, मराठियों को दोष दे, गुजरातियों को दोष दे या ये दोगली राजनीति वाले नेताओं को दोष दे, 1947 में हमारे भारत को आजादी मिली थी। आज लगभग 71 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, और इन 71 सालों में क्या हमारे यूपी बिहार में कोई कारखाने नहीं आने चाहिए, कोई कंपनी नहीं आनी चाहिए? क्यों जाना पड़ता है हमारे यूपी बिहार के भाइयों को दूसरे राज्य में रोजगार के लिए? अगर इसमें सबसे ज्यादा कोई गुनहगार है तो ये दोगली राजनीति वाले हैं। एससी एसटी के नाम पर, ओबीसी के नाम पर, जनरल के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात पात के नाम पर हमको टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर रख दिए। अपनी कुर्सी बचाने के लिए बात बात में दंगा कराने वाले, भारत बंद कराने वाले कहां गए वो राजनेता जब हमारे यूपी बिहार के भाइयों को आज गुजरात से भगाया जा रहा है? एक बलात्कार के नाम पे लाखों बेगुनाहों को घर से बेघर कर दिया गया। अगर बलात्कार एक गुनाह है, अगर एक बलात्कारी की वजह से सारा राज्य बदनाम होता है तो देश का सबसे बड़ा बलात्कारी गुजरात के आसाराम बापू थे, तो क्या पूरा गुजराती बलात्कारी हो गया? देश के सबसे बड़ा चोर नीरव मोदी था जो कि गुजरात का था, तो क्या सारे गुजराती चोर हो गए? एक वीडियो क्या बना दिया गुजरात पे कि आज फोन पे धमकी आने लगी कि हिम्मत है तो हमारे गुजरात में आकर गुजरातियों को मार के दिखाओ। अरे तुम में अगर हिम्मत है तो अपने गुजरात से कभी बाहर निकल कर दिखाओ, अपने गली में तो कुत्ते भी शेर बनते हैं। है किसकी जरूरत जो छेड़े इस दिले को, गर्दिश में भी घेर लेते हैं गिद्दर शेर को। आवाज अपना हुनर आजमा है, तुम अपना तीर अजमाओ, हम अपना जिगर अजमाते हैं। बिहार को नीचा दिखाने वाले कान खोल कर सुन लो, अगर भारत सरकार को सबसे ज्यादा कहीं से आईएएस आईपीएस ऑफिसर मिलती है तो हमारे बिहार के माटी से पैदा होते हैं मगध के सम्राट महाराज अशोक, जिनके गर्जना मात्र से भारत से लेकर पूरा अफगानिस्तान तक थर्रा उठा था, हमारे बिहार में पैदा हुए थे। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह की धरती है हमारी बिहार की धरती। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू, लोकनायक डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष सुश्री मीरा कुमार, ऐसे ऐसे रत्न पैदा होते हैं हमारे बिहार में। अंग्रेजी के 5 लेटर से बिहार लिखा जाता है, BIHAR, और इन 5 लेटर में भारत के 5 नाम है। बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त, आर से रेवाखंड। अरे हमारा बिहार तो भारत का जिगर है जिगर। महात्मा गांधी को जब अपना सहयोग आंदोलन शुरू करना था तो उसके लिए हमारे बिहार की धरती चंपारण जिले में उन्हें आनी पड़ी थी। कहां कहां से हटाओगे हम यूपी बिहार वालों को? निम्न पद से लेकर और उच्च पद तक निगाहें उठाकर देख लो, यूपी बिहार वाले भरे पड़े हैं। हमें गर्व है बिहारी होने पे, हमें फख्र है बिहारी होने पर। अगर आपको भी गर्व है बिहारी होने पे तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।